आपका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास इस स्कोडा कंपनी की फेलिया गाड़ी आई हुई है। ये देख सकते हैं, स्कोडा कंपनी की फेलिया गाड़ी है। फ्रेंड, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें कस्टमर का कंप्लेन है कि जब गाड़ी रनिंग करते हैं तो गाड़ी रनिंग करने में गाड़ी गर्म हो जाता है, अपना मीटर पर लाइट आ जाता है हीटिंग का, और कूलेंट भी कम होता है। तो सबसे पहले तो हम इसको चेक करेंगे। आप देख सकते हैं, इसका कूलिंग वाटर तो हमारा लेबल है, ठीक है फ्रेंड। एक कस्टमर ने लगता है टॉपअप किया है पानी, तो इसका तो अभी कूलिंग वाटर लेवल है। तो हम इसका चेक करेंगे कहीं से कुछ लीक तो नहीं है। तो फ्रेंड, हमने इसमें चेक किया है तो इसमें कहीं से हमको लीकेज नहीं मिला है, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले तो हम गाड़ी स्टार्ट करके इसका फ़ैन चेक करेंगे कि फ़ैन चालू है कि नहीं चालू है। क्योंकि फ्रेंड क्या होता है, फ़ैन बंद होने की वजह से भी गाड़ी आपका गर्म होएगा और पानी बाहर आके गिरेगा करके आपको कूलिंग वाटर कम होगा। तो देख सकते हैं, जब गाड़ी गर्म होता है तो यहाँ से आपका कूलिंग वाटर जो है यहाँ से गिरने लगता है। यहाँ से ये देखिए, एयर पाइप दिया है, यहाँ से आपका गिरने लगेगा। ढक्कन से नहीं आएगा, यहीं से आके गिरने लगेगा। गाड़ी गर्म होएगा तो फ़ैन नहीं चलेगा। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका एसी डालते हैं, क्योंकि फ्रेंड क्या होता है, एसी डालने में आपका फ़ैन का पता चल जाएगा कि आपका फ़ैन बंद है कि चालू है। क्योंकि फ्रेंड इसका कस्टमर का कूलिंग का भी कंप्लेन है कि कूलिंग भी नहीं होता है गाड़ी गर्म होने के बाद। तो अगर गाड़ी गर्म होएगा तो आपका कूलिंग भी लो हो जाएगा। तो ये देखिए, हम इसका एसी चालू करते हैं, ठीक है फ्रेंड। देखिए, हमने इसका एसी चालू रखा है, गाड़ी भी हमारा चालू है, देख सकते हैं हमारा आरपीएम का काटा। तो फ्रेंड, हम बाहर चेक करते हैं हमारा फैन चालू है कि नहीं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसका फैन बंद है। ये देखिए, इसका फैन बंद है फ्रेंड। तो सबसे पहले तो हम इसका फ्यूज चेक करेंगे। तो देख सकते हैं, हमारे एसी का कंप्रेसर चालू है लेकिन फ़ैन बंद है। तो फ़ैन बंद क्यों है वो हम चेक करेंगे। हमारा फ्यूज का प्रॉब्लम है या वायरिंग का प्रॉब्लम है या रिले विले का प्रॉब्लम है, जो भी है, सबसे पहले तो हम इसका फ्यूज चेक करेंगे। फ्यूज चेक करके फिर आपको हम दिखाते हैं। फ्रेंड, आप देख सकते हैं, ये हमारा फ़ैन का फ्यूज है, 39 नंबर पे देख सकते हैं, 30 एम्पेयर का है फ्रेंड। ये देखिए, इस तरह कवर लगता है, ठीक है। तो यहाँ से सॉरी फ्रेंड, देखते हैं 39 नंबर का, 39 नंबर में है 30 एम्पेयर का। तो हम इसका फ्यूज चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसका फ्यूज है, ठीक है फ्रेंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये हमारा फ्यूज भी ओके है फैन का, ये देख सकते हैं यहाँ पे दिया है ये फैन का। तो फ्रेंड, हम इसका एक बार डायरेक्ट फैन चेक करेंगे एक बार, इसका फैन का तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका ओके है। तो हम इसका एक बार फैन चेक करते हैं, उसका सॉकेट ओपन करके। हाइट कीजिए, मेरा जी गाड़ी हाइट कीजिए जी। फ्रेंड, आप देख सकते हैं, ये हमने फैन का सॉकेट ओपन किया है। ये देख सकते हैं, इसमें दो मेन वायर है और एक अर्थिंग वायर है। तो ये बीच के मेन वायर में और ये अर्थिंग वायर में, दोनों वायर में, क्योंकि तीन वायर है इसमें, तो दो ही वायर में कोई हम वायर लगाएंगे। देख सकते हैं, बीच के वायर में हम लगा रहे हैं। तो हम इसको डायरेक्ट फैन चेक करते हैं। लगाइए वायर। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा फ़ैन डायरेक्ट चालू है, इसका मतलब हमारा फ़ैन ओके है, फ़ैन ख़राब नहीं है। इसको चेक करेंगे रिले, क्योंकि रिले का भी प्रॉब्लम आता है फ़ैन। इसके नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे एक रिले आता है, वो रिले का भी प्रॉब्लम होने की वजह से गाड़ी, मतलब इसका फ़ैन चलेगा नहीं। मैटिंग लाइए फ्रेंड। इसका जो मेन वायर है, इसमें भी हम एक बार चेक करेंगे कि हमारा मेन अर्थिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले अर्थिंग में लगाइए वायर, ऊपर दिखाइए एक बार, अर्थिंग में हमारा वायर लगा हुआ है। हाँ, लगा हुआ है। हाँ, नीचे लाइए। तो फैन हम चेक करते हैं, ठीक है। हम अर्थिंग में लगाए हैं ऊपर, हम इसमें चेक करते हैं हमारा मेन आ रहा है कि नहीं। देख सकते हैं फ्रेंड, तीनों पिन में हमने चेक किया, हमारे तीनों पिन में किसी में करंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब हम एक बार मेन लगा के चेक करते हैं। मेन में लगाइए। हाँ, लगाए।
देख सकते फ्रेंड, एक पिन में हमारा करंट आ रहा है, ये हमारा दोनों पिन में आना चाहिए, ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड इसका ना यहाँ पे रिले आते हैं, देखिए हम आपको दिखाते हैं ये रिले, ये देख सकते हैं फैन, ये फैन का रिले है। अगर इसका प्रॉब्लम रहेगा ना तो भी हमारा फैन चालू नहीं होगा, क्योंकि ये रिले से इसको अर्थ जाता है, ये फैन के सॉकेट को ये रिले से। तो अगर अर्थ नहीं जाएगा तो भी हमारा फैन चालू नहीं होगा। तो हम सबसे पहले तो ये रिले को अरेंज करेंगे, क्योंकि रिले फ्रेंड रेडी में नहीं रहता है, तो रिले हम अरेंज करते हैं। अरेंज करके और उसके बाद आपको बाहरी सॉकेट लगाकर और एक बार चेक करते हैं, चेक करके हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये हमारा जो फैन का रिले था ये हमने अरेंज कर लिया है, ठीक है। तो ये नया वाला रिले है, इसका जूना वाला रिले हम ओपन कर रहे हैं, देख सकते हैं। ओपन करके फिर हम आपको ये रिले लगाकर और फिर चेक करके दिखाएंगे। ये देखिए इसका जूना वाला रिले है, ठीक है फ्रेंड, ये इसका जूना वाला रिले है। तो हम इसमें ये वाला रिले इसमें फिट करते हैं, फिट करके फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो हम नए रिले में ब्रैकेट लगा रहे हैं, क्योंकि हमें ब्रैकेट लगाकर ही फिट करना पड़ेगा। ये रिले हमने ब्रैकेट में फिट कर दिया है, तो अब इसको हम उधर लगाएंगे और लगाकर फिट करके फिर सॉकेट लगाकर फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड हमने इसका रिले फिट कर दिया है, देख सकते हैं हमने दोनों सॉकेट भी बिठा दिया है। तो फ्रेंड अब हम एक बार गाड़ी स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके चेक करेंगे कि हमारा फैन चालू होता है कि नहीं होता है। ये इसका जूना वाला है फ्रेंड, देख सकते हैं। ये फ्रेंड क्यों ख़राब होता है मालूम है, क्योंकि क्या है फ्रेंड, ये ओपन दिया है, देखिए नीचे दिया है, और बारिश के टाइम में क्या है इसके अंदर पानी चला जाता है, पानी जाने के वजह से ये शॉर्ट हो गया है। टायर के अगर हाफ के ऊपर अगर पानी जाएगा, पानी में से गाड़ी गुजरेगा, तो ये ख़राब होना ही होना है, ठीक है फ्रेंड। तो हम तो इसको अभी रिप्लेस कर दिए हैं, एक बार चेक करेंगे और चेक करके हमारा फैन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसको बराबर से पूरा थैली से इसको कोटिंग कर देंगे कि ताकि पानी जाने के कारण कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। हाँ गाड़ी स्टार्ट करो, एसी डालो, डाले सकते फ्रेंड। ये हमारा फैन चालू हो गया, तो फ्रेंड इसमें हमारा वो जो रिले का ही प्रॉब्लम था, देख सकते हैं हमने इसमें सिर्फ रिले रिप्लेस किया है, बाकी और कुछ भी नहीं किया। हमारा वायरिंग वायरिंग फ्यूज सब ओके था। देखिए हमने रिले रिप्लेस करने के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। देखते हैं हमें एसी बंद करने के बाद बंद होता है, एसी बंद कीजिए। ये देखिए फ्रेंड हमारा एसी बंद करते ही फ्रेंड फैन तुरंत रुक गया। एसी चालू कीजिए, ये देखिए फ्रेंड हमारा एसी चालू करते तुरंत फैन चालू हो गया। इसका एसी का कूलिंग भी हम चेक करते हैं, फैन देख सकते हैं एसी का कूलिंग भी ऑटोमेटिक बढ़ गया, क्योंकि फ्रेंड इसका एसी का कूलिंग भी नहीं था। क्योंकि फैन अगर बंद रहेगा और आपका गाड़ी गर्म होएगा तो किसी भी गाड़ी में आपका एसी का कूलिंग नहीं होगा, चाहे वो फैन का प्रॉब्लम हो या गैस्केट का प्रॉब्लम हो। अगर गाड़ी आपका गर्म होता रहेगा तो कूलिंग जो एसी का कूलिंग होता है ऑटोमेटिक कटअप हो जाएगा, वहीं पे कूलिंग करना बंद कर देगा, ठीक है फ्रेंड। तो हम थोड़ा देर इस गाड़ी को चालू रखेंगे। ये हमने एसी चालू करके इसका फैन चेक किया है, अब नॉर्मली हम इसको गाड़ी को गर्म करके एक बार चेक करेंगे, ठीक है। इसका एसी बंद कर दीजिए, एसी बंद कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो हमने एसी बंद कर दिया है, अब नॉर्मली हम गाड़ी को चालू रखे हैं, नॉर्मली एक बार हम चेक करेंगे कि नॉर्मली हमारा फैन चालू होता है कि नहीं होता है, ठीक है। इसको डाउन कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो नीचे का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, रिले हमने रिप्लेस कर दिया है, सिर्फ इसको नॉर्मली एक बार चेक करेंगे, नॉर्मली हमारा फैन चालू हो जाएगा तो समझ लीजिए हमारा गाड़ी का प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। जो हीटिंग का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो जाएगा,
ठीक है फ्रेंड। तो थोड़ी देर हम गाड़ी चालू रखते हैं और फिर गाड़ी चालू रख के रेस करके और उसके बाद आपको फैन चालू करके दिखाते हैं हम। तो फ्रेंड हम इस गाड़ी का रेस पकड़ के रखे हैं इंजन गर्म करने के लिए ताकि हमारा ऑटोमेटिक फैन चालू हो। ये हमारा ऑटोमेटिक फैन चालू हो चुका है, तो देख सकते हैं हमारा ऑटोमेटिक फैन चालू हो चुका है। अब देखते हैं हमारा कटअप होता है कि नहीं, क्योंकि इसको इंजन ठंडा करने के बाद ऑटोमेटिक कटअप हो जाना चाहिए। तो देखिए ऑटोमेटिक कटअप भी हो गया, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए हमारा अंदर एसी भी चालू नहीं है, आप देख सकते हैं। ये देखिए एसी का बटन बंद है, क्योंकि फ्रेंड क्या होता है हमें इसको एसी बंद करके फैन चालू करके चेक करना ज़रूरी है, तो इसके लिए हमने दोनों चेक कर लिया। एसी में भी हमारा फैन चालू है और नॉर्मली भी हमारा फैन चालू है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा गाड़ी ओके हो चुका है, इसमें कोई किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसको हम एक थोड़ा सा लंबा टेस्ट ड्राइव ले लेंगे कि जो इनका कूलिंग वाटर कम होता था उसका कंप्लेन मतलब सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है फ्रेंड। वो गर्म होने के वजह से ही यहाँ से कूलिंग वाटर इनका कम होता था, बाकी कहीं से हमने पूरा इंजन में चेक कर लिया, कहीं से कुछ लीकेज वीकेज नहीं है। फिर भी एक बार हमने टेस्ट ड्राइव ले लेंगे इसका लंबा। इसका टेस्ट ड्राइव लेके आ गए हैं, हमने कम से कम 7-8 किलोमीटर इसका टेस्ट ड्राइव लिया, तो हमारे मीटर पे कोई हीटिंग वीटिंग का लाइट नहीं आया और ना ही हमारे गाड़ी में कोई पिकअप का प्रॉब्लम आया, क्योंकि हीटिंग होने के वजह से और एसी का कूलिंग भी सही है। देखिए हमने एसी ऑन करके गए थे, ठीक है फ्रेंड। एक बार हम इसका कूलिंग का लेवल चेक कर लेते हैं कि बराबर है क्या। तो देख सकते फ्रेंड फैन अभी भी हमारा चालू है, तो देखिए और कूलिंग वाटर भी हमारा एकदम लेवल है। देखिए हमने पॉइंट तक रखा था, जितना कूलिंग वाटर हम डाल कर गए थे उतना ही है, हमारा कम कुछ नहीं हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो ये गाड़ी का हमारा काम पूरी तरह से प्रॉपर ओके हो चुका है, हमने इसका टेस्ट ड्राइव भी ले लिया है। अब हमें कस्टमर को गाड़ी डिलीवरी दे देंगे बिना किसी कंप्लेन का, बिना किसी प्रॉब्लम के। सर एक वीडियो था, ठीक है फ्रेंड, हीटिंग का, तो हमने इसमें हीटिंग का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया है। और हीटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने इसमें ये जो फैन का रिले आता है इसे हमने रिप्लेस किया है, देख सकते हैं फ्रेंड। ये हमारा फैन का रिले है मेन, इससे करेंट जाता है हमारे फैन को, तो हमने रिप्लेस किया है। तो आज का हमारा वीडियो था छोटा फेलिया का। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और प्लीज़ प्लीज़ हो सके अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।